أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہماری گفتگو تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں مکمل ہو گئی. آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. خب یہاں پر یہ آیت کیفہ استفہام ہے, سوال ہے. خوب سوال پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن میں حقیقی استفہام اور حقیقی سوال جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ استفہام اور سوال کرنے کا مقصد سوال وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پر جہالت ہو. خداوند متعال نعوذ باللہ من ذالک, کوئی امر خداوند متعال سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. لہذا قرآن کا یہ سوال, یہ کیفہ استفہام ہے, کس طرح, کس طرح, کیفہ یعنی کس طرح. تکفرون باللہ ہے کہ تم لوگ انکار کرتے ہو خدا کا, کفر کرتے ہو خدا کا. اب یہ تکفرون یعنی تم کفار, تم لوگ کفر کرتے ہو باللہ, اللہ کا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, جبکہ تم لوگ کیا تھے, وَكُنْتُمْ, جبکہ تم لوگ پاسٹ, کنتم پاسٹ ہے, جبکہ تم لوگ کیا تھے, أَمْوَاتًا, میت تھے, بے جان تھے, صحیح نا, بے جان تھے, یا نطفے کی حالت میں تھے, یا گوشت کا ٹکڑا تھا, خون کا لوتھڑا تھا. خلاصہ یہ کہ بے روح. بس وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, جبکہ تم لوگ میت تھے, مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ, بس تم کو, بس خدا نے تمہیں زندگی بخشی, حیات دی. ف دیکھیں, ف احیاکم میں تین ورڈز ہیں, فا الگ ہے جو پس کے معنوں میں ہے, احیا پاسٹ ہے, احیا پاسٹ ہے, یعنی خدا نے حیات دی, کم تم کو, تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مارے گا, پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم پھر, یمیتو
यानी वो मारेगा कुम तुमको, सुम्मा फिर, योही कुम इसकी वजाहत आएगी, फिर वो तुमको जिंदा करेगा, सुम्मा इलेहे तुर्जाउन और फिर तुम उस खुदा की तरफ, तुर्जाउन यानि पलटाए जाओगे, तुर्जाउन रजा से है, मराजेन कहते हैं ना मराजेन, तो मराजेन को मराजेन क्यों कहते हैं, मराजेन को मराजेन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं, इसलिए मराजे कहते हैं, रजा जिसकी तरफ रुजू किया जाए, तुर्जाउन यानि पलटाए जाओगे, रुजू करवाए जाओगे इलैहि उस खुदा की तरफ, इलैहि तुर्जाउन। खूब ये तो अल्फाज के मुफरदात हो गए, एक एक वर्ड का हमने माना किया। खूब यहां पर इस आयत का क्या माना किया जा सकता है इसको जरा गौर करना पड़ेगा, और यहां पर हमारे जहन में एक बयान है, देखते हैं कि क्योंकि इस बयान के लिए हमारे पास जो ज़ाहिरी तौर पर हमने जस्तजू की कोई रिवायत नहीं मिली, कोई रिवायत नहीं मिली, और लिहाजा ज़ाहिर देखते हैं कि कुरान का ज़ाहिर क्या बनता है, कुरान का ज़ुहूर जो हुज्जत है, कुरान का ज़ुहूर जो हुज्जत है, देखते हैं कि कुरान का ज़ुहूर क्या है। खूब यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये कैफा ज़ाहिरी तौर पर सवाल है, किस तरह तुम का ने अल्लाह का कुफ्र किया, अल्लाह का इनकार किया। अब यहां पर अगर एक आम इंसान अगर सवाल करे तो उसके सवाल करने का अक्सर मकसद जानना होता है, लेकिन खुदावंद मुताल की जात का सवाल करना जानने के लिए नहीं है। बस यहां पर खुदावंद मुताल का सवाल क्यों है, सवाल करने का दाई कभी कभार मुख्तलिफ हुआ करता है, कभी सवाल करने का दाई क्या होता है, कभी कभार सवाल करने का दाई यानी मकसद क्या होता है, इनकार करना। मसलन आप ये कहें कि क्या ये मैंने किया, आप सवाल कर रहे हैं क्या मैंने किया, तो मैंने किया आप जाहिरी तौर पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत या इनकार कर रहे हैं कि मैंने नहीं किया ये। कभी सवाल बेखातिर ताज्जुब है, बेदाइये ताज्जुब है, ताज्जुब की खातिर सवाल किया जा रहा है। खूब यहां पर कुरान मजीद का सवाल, ये जो कुरान सवाल कर रहा है कि किस तरह तुम लोगों ने अल्लाह का कुफ्र किया, कुफ्र इख्तियार किया, अल्लाह के इनकार करने वाले बन गए, तो यहां पर किस तरह खुदा जानता है कि किस तरह वो इनाद, वो दुश्मनी, वो अदम खुजू, खुदा के मुकाबले में खुजू और खुशु ना होना, ये सबब कुफ्र है। खुदा के सामने तवज्जो करें, कुफ्र, इंसान काफिर क्यों होता है, इंसान काफिर क्यों होता है, काफिर इसलिए होता है कि वो मारिफत के बाद खाजे नहीं है, जैसे अबू जहल अबू सुफियान और ये सारे कुफारे कुरैश मारिफत रखते थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
अब एक नुक्ता तवज्जो करें, यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करें कि देखें, हजरत अम्मार ने भी रसूल का इनकार किया था, हजरत अम्मार यासिर ने, जब उनके वालदेन को शहीद किया था, जब उनके वालदेन को शहीद किया था तो हजरत अम्मार ने भी अल्लाह और रसूल का इनकार किया था। अबू जहल भी इनकार कर रहा था, तो क्या दोनों का इनकार बराबर था? नहीं, बल्कि अम्मार यासिर का इनकार जो है वो अदम खुजू की वजह से नहीं था, इनाद और दुश्मनी और की वजह से नहीं था, बल्कि मसलन तकई की वजह से था। लेकिन अबू जहल का इनकार, अबू जहल का इनकार, अबू लहब और अबू सुफियान और इन सब का इनकार, ये अदम खुजू यानी रसूल के सामने खाजे नहीं है, ये लोग मारिफत रखते हैं, बस अम्मार भी मारिफत रखते हैं, अबू जहल भी मारिफत रखता है, लेकिन अम्मार खाजे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जबकि ये अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल ये सारे खाजे नहीं है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बस ये वजह कुफ्र हुआ करता है। अला ये हाल, यहाँ पर खुदावंद मुताल जो है वो उन कुफार से मुखातब होकर कह रहा है कुरान जो मुखातब होकर कह रहा है काफिरों से, कई फतस्फुरूना बिल्ला, किस तरह तुम खुदा का इनकार कर रहे हो, बकुन तुम अमवा था, जबकि तुम तो मुर्दे थे, तुम तो बेजान थे, तुम तो बेजान थे, फअहयाकुम, बस फिर खुदावंद मुताल ने तुम्हें खल किया और वो तुमको मारेगा भी, तुम्हें खल भी करेगा और फिर तुम्हें खुदा की तरफ भी पलटा कर जाओगे, सही ना। अब यहां पर मनहजुस सादिकीन जो है वो मुफस्सिर कुरान हैं, ज़ाहिर मुल्ला फैज़ काशानी, अगर मैं इश्तबा ना करूं तो उन्होंने इसका यूं तर्जुमा किया है कि किस तरह तुम इनकार करोगे इन चीज़ों का कि तुम जो है वो मुर्दा थे, जिंदा किए जाओगे, फिर मुर्दा हो जाओगे, फिर जिंदा किए जाओगे और फिर खुदा की तरफ पलटाए जाओगे। लेकिन ये तर्जुमा दुरुस्त तर्जुमा नहीं है, मैं जो उनकी इबारत से तर्जुमा समझा हूँ उन्होंने कुछ इस किस्म का माना किया है, लेकिन ये दुरुस्त तर्जुमा नहीं है, बल्कि दुरुस्त तर्जुमा क्या है कि कैफ तकफुरूना बिल्लाह, किस तरह खुदा का इनकार कर सकते हो, तुम तो जिंदा नहीं थे, तुम तो जुमा, मसलन अपनी जबान में कहूँ जुमा जुमा 8 दिन हुए जो इस दुनिया में आए हो, तुम्हारे तवज्जो करें इनकार करने के लिए, ये नुक्ता तवज्जो करें, हमें अपनी जिंदगी में भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमारी जिंदगी में भी जो इसको लेकर आना चाहिए कि इनकार करने के लिए एहाता ताम होना चाहिए। एहाता ताम यानी इंसान की दस्तरसी में हर चीज एहाता किए हुए हो, उसकी कंट्रोल में हो, उसकी निगाहों के सामने, उसके शऊर के सामने वो चीज हो, तो फिर इंसान उसका इनकार करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप से कोई कहे कि आपको भूख लगी है और आपके भूख नहीं लगी है, भूख और अदम है भूख होना या भूख ना होना वो भी मेरे कंट्रोल में, मुझे मालूम होना चाहिए। लिहाजा फिक में भी एक मसला आता है ना, फिक में भी एक मसला आता है कि अगर कोई आकर खबर दे कि ये जगह नजिस है, दो आदिल मर्द आकर कहे कि ये जगह नजिस है और दो आदिल मर्द आकर कहे ये जगह पाक है, तो वो जो नजिस वाला कौल है उसकी बात मानी जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसने वो देखा है। जो इनकार करने वाला है वो एहाता है ताम तो नहीं रखता है, मुमकिन है वो आखिर वो इधर उधर गया उस वक्त नजिस हो गई हो। बस तवज्जो करें, जब भी किसी चीज का इनकार किया जाए और हम अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करें, अब चाहे इनकार हो चाहे किसी पर एतराज हो, बाज़ औक़ात हम एतराज करते हैं तो हमारा एतराज जहालत की वजह से होता है, अदम एहाते की वजह से होता है। बस कुफार को कुरान यही झिंझोड़ रहा है कि तुम किस बिना पर इनकार कर सकते हो, तुम तो मुर्दा थे, तुम तो
मुर्दा थे और हमने और खुदावंद मुताल ने जिक्र फाहियाकुम तुमको हयात दी है। और फिर खुदावंद मुताल अपनी जो है वो कुदरत बयान कर रहा है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अब ये सब मराहिल तुम्हारे साथ होने वाले हैं तो तुम अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते हो? तवज्जो किया आपने? हो, उम्मीद है कि माना जो कि वो वाजे हो गया होगा कि आयत का माना बेहसब जाहिर क्या है कि कैफा तकफुरूना बिल्लाह, आखिर तुम किस तरह खुदा का इनकार और कुफ्र कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे और तुमको खुदा ने जिंदा किया, तुम तो कुछ नहीं थे। यानी मतलब वाजे है कि मिसाल के तौर पर जैसे अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर कहे कि सुबह 10 बजे कोई मेहमान नहीं आया था, तो मसलन वालिदा क्या कहे उसको कि तुम्हें क्या मालूम, तुम तो उस वक्त सो रहे थे, तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो? तो कुरान यहां पर ये बयान कर रहा है, तवज्जो किया आपने, कि इनकार करने के लिए इंसान के पास दलील होनी चाहिए, एहाता ताम होना चाहिए, फुल कंट्रोल होना चाहिए। तुम तो जुमा 8 दिन जो है वो दुनिया में आए हुए हो और उसके बाद फिर तुम युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुमको खुदा मारेगा, मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, तुम्हें फिर जो वो खुदा की तरफ पलटाया जाएगा। खूब ये आपने मुलाहिजा फरमाया। और यहां पर अब ये हम देखते हैं कि सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन? यहां पर एक रिवायत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब हदीस है कि قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكفار قريش واليهود। अच्छा, अब यहां पर इस हदीस में एक सवाल है, इस हदीस में हमारा एक सवाल है कि यह हदीस जो है वो किस तरह यहूद को शामिल हो सकती है? क्यों? इसलिए कि यहूदी तो अल्लाह का इनकार नहीं करते हैं, तो कुफारे जो कुफारे मक्का हैं वो इनकार करने वाले थे। बस ये एक सवाल है इस हदीस में, अलाइह कई बार तकफुरूना बिल्लाह, किस तरह तुम अल्लाह का इनकार कर सकते हो? वो खुदा की जिसने तुम्हें हिदायत की तरफ हिदायत दी है, वकुन तुम अमवातन, तुम जबकि मुर्दे थे मैयत थे, फी असलाब आबाएकुम अपने आबाओ अजदाद के सुल्म में माँ के रहम में, फअहयाकुम अखरजकुम अहयान, उसके बाद खुदावंद मुताल ने तुम्हें जिंदा माँ के रहम से बाहर निकाला। अब तवज्जो करें कुरान की आयत, सुम्मा युमीतुकुम, युमीतुकुम यानी खुदा तुमको मौत देगा, फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम फिर हयात देगा। तो ये युहयीकुम से मुराद क्या है? तो इस हदीस में बयान किया जाता है सुम्मा युहयीकुम फिल कुबूर, यानी तवज्जो करें कि एक यानी इंसान को जब मौत आएगी तो खुद इस आयत से भी ये जाहिर होता है कि इंसान को जब मौत आएगी फिर जो कोई इंसान बरज़ख की जिंदगी में उसको हयात दी जाएगी। देखिए एक और कुरान की एक और आयत है कुरान की एक और आयत है, फिलहाल उस आयत का एड्रेस मुझे याद नहीं है,
मुझे याद रहा तो मैं इसको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें दो मौत और दो हयात का तस्किरा किया गया है, दो मौत और दो हयात का तस्किरा किया गया है। खूब वो इंशाल्लाह जब हम उस आयत पे पहुंचेंगे तो वहां पर हम बहस करेंगे कि इंसान के जो मौत के मरहले हैं और हयात के मरहले हैं वो तीन तीन हैं। एक जब इस दुनिया में नहीं था, जब एक इस दुनिया में नहीं था तो इंसान मुर्दा था, सही ना, यानी शऊर ना होना, रूह ना होना, मुर्दा होना। फिर इस दुनिया में आया तो एक मौत हो गई, एक हयात हो गई। फिर इंसान मरेगा और फिर कब्र में उसे जिंदा किया जाएगा। यानी इससे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें इंसान बिल्कुल मर जाएगा और फिर उसको जिंदा किया जाएगा, यानी उसकी रूह जिंदा होगी। अब जो भी जिंदा के माना पे है, सही ना। तो ये फिर दो मौत हो गई, दो हयात हो गई, दो मौत हो गई, दो हयात हो गई। फिर कबल अस कयामत जब इसराफील सूर फूकेंगे तो फिर सबको मौत होगी, और फिर बात किया जाएगा, मबूस किया जाएगा, उठाया जाएगा कयामत के लिए, फिर हयात की जाएगी, हयात मिलेगी। तो तीन मौत और तीन हयात होगी इस तरीके से। इस तरह उलमाए कराम या बाज आयात और रिवायात से मुमकिन है ये इस्तेफादा हो। तो ये इंशाल्लाह कभी और मौका मिला तो इंशाल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये आयत क्या बयान कर रही है, तवज्जो करें। कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे। ये कौन सा मरहला है, रिवायत बयान कर रही है यहाँ पर, और वाजे भी है, ये इंसान खुद एहसास कर रहा है। रिवायत ना भी हो तो इंसान दर करता है कि तुम मुर्दा थे। फी असलाब आबाएकुम व अरहाम उम्महातिकुम, तुम अपने बाप के जो वो सुल्ब में या माँ के रहम में थे, बाप के सुल्ब में थे तो कोई शऊर तो नहीं था, वो मुर्दा के मानिंद थे, या माँ के जब रहम में थे तो कोई शऊर तो नहीं था, मुर्दा के मानिंद थे। तो ये एक मौत हो गई। फाहयाकुम, जब इस दुनिया में आए तो फिर हयात मिली, जब इस दुनिया में आए तो फिर हयात मिली। सुम्मा युमीतुकुम, फिर उसके बाद तुम्हें मौत हुई और तुम कब्र की तरफ गए। अब यहां पर रिवायत क्या बयान करती है, तवज्जो करें। सुम्मा युहयीकुम, उसके बाद तुम जिंदा किए जाओगे। कहां जिंदा किए जाओगे, कयामत के लिए नहीं। यहां पर ग्यारहवें इमाम इस रिवायत में इरशाद फरमाते हैं सलामुल्लाह अलैह के, सुम्मा युहयीकुम फिल कुबूर, कब्र में तुम्हें जिंदा किया जाएगा। और फिर यहाँ पे ये बयान किया कि वयनअमु फीहल मोमिनीन बिनबुव्वत मुहम्मदिन व विलायत अलीयिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अलैहिमा, कि जो मोमिनीन होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के वसीले से और विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से नेमत पाएंगे कब्र में, और काफिरीन उस कब्र में अजाब झेलेंगे। और जैसा कि रिवायात भी बयान करती है कि कब्र में दर हकीकत कब्र दो लोगों के लिए है, एक महज मोमिन के लिए और एक महज काफिर के लिए। जो दरमियान के लोग हैं कचरा, उनके लिए कब्र जो वो कोई हैसियत नहीं रखती है। मोमिन है महज और काफिर है महज, सही ना। मोमिन है महज से मुराद वही जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आइमाए अथहर वसल्लम की विलायत को कबूल करते हैं। काफिर वो लोग हैं कि जो इन चीजों को समझते हैं और ईमान नहीं लाते हैं। बस ये यहाँ पर जो कुरान में आया कि सुम्मा युहयीकुम, तुम्हें हयात दी जाएगी, तो ये हयात कौन सी हयात मुराद है, फिल कुबूर है, कबूर में। सुम्मा इलैहि तुरजाउन फिल आखिरते, ये फिल आखिरते कुरान में नहीं है, ये इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस रिवायत के मुताबिक कि तुम पलटाए जाओगे अल्लाह की तरफ आखिरत में, मबूस होंगे वो कयामत के दिन। अब यह आयत मुलाहिजा फरमाई
कि ये आयत थी आयत नंबर 28। आयत नंबर 29, औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्ज जमीअ ثم استوى الى السماء فسوَّهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم। पहले हम इसके सिंगल सिंगल वर्ड देख लेते हैं। हुआ, हुआ यानी वो खुदा, अल्लज़ी जिसने, खलक लकुम मा फिल अर्ज तुम्हारे लिए खल्क किया, माँ उन तमाम नेमतों को, माँ से मुराद मसलन फल, दरख्त, हर चीज जो भी जमीन पर है। लकुम हुवल्लज़ी वो खुदा के जो खलका खल्क किया, लकुम तुम्हारे, देखिए तवज्जो करें, अरबी में जब अक्सर मकामात पर लाम आता है एडवांटेज के लिए, फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए, यानी तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे नफे में, तुम्हारे एडवांटेज में खुदावंद मुताल ने खल्क किया। किस चीज को? मा फिल अर्ज, मा वो तमाम चीजें जो फी में, अर्जे जो जमीन में हैं, जमीअन सब का सब, सब का सब। सुम्मस्तवा इला समाए, सुम्मा यानी फिर, इस्तवा का भी फिलहाल आप माना समझे कि किसी चीज की तरफ मुतवज्जे होना, किसी चीज की तरफ रूबरू, किसी यानी कोई काम करने की तरफ मुतवज्जे हुए, तो इस्तवा इला हाजल फेल, आप मुतवज्जे हुए उस काम की तरफ। मिसाल के तौर पर आपने एक काम किया या एक कस्टमर को मिसाल के तौर पर जवाब दिया, सुम्मस्तवा इला कस्टमर आखर फिर आप दूसरे कस्टमर की तरफ मुतवज्जे हुए। तो इस तवा का एक माना मुतवज्जे होने के हैं, और यहां पर एक एहतमाल ये कि इस तवा का माना ये है, यानी खुदावंद मुताल ने हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअन सुम्मस्तवा इलस समाए, और उसके बाद आसमानों की तरफ खुदा मुतवज्जे हुआ। फसव्वा हुन्ना सबा समावातिन, सव्वा किसे कहते हैं? सव्वा कहते हैं किसी चीज को बराबर करना, मुसावी कहते हैं ना उर्दू में, मुसावी यानी बराबर। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो मिसाल के तौर साहिल समंदर जाएं, तो साहिल समंदर जब आप जाएं तो साहिल समंदर की मट्टी को आप एक स्ट्रेट कर दें, एकदम उसकी जो फैली हुई ऊपर नीचे मट्टी थी उसको आप स्ट्रेट कर दें, उसको साफ कर दें, उसको एक लाइन में कर दें, तो ये कहलाएगा कि आपने मुसावी कर दिया, सवा कर दिया आपने। जैसे अगर आप लोग मस्जिदुल हराम की अगर आप लोगों ने ज्यारत की हो, खुदा ने हम सबको मक्के की ज्यारत नसीब फरमाए, वहां पर जो नमाज जमात होती है तो वहां पर मुनादी आवाज देता है, मुकब्बिर आवाज देता है, उस्तुवू यानी वो मुसावी हो जाने, अपनी सबों को मुसावी कर दो। तो फसव्वा हुन्ना, तो खुदावंद मुताल ने उन आसमानों को सव्वा, फा अलग है पस नहीं, हाँ फा यानी पस, सव्वा मुसावी करना, हुन्ना का इशारा है उन आसमानों की तरफ, समा की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबा समावातिन, और उसने आसमान का रुख किया तो सात आसमान बना दिए, सव्वा बना दिए, मुसावी कर दिए, खड़े कर दिए, हमवार कर दिए। वहुआ यानी वो खुदा,
बेकुल्ले शैइन अलीम, वहुवा बेकुल्ले शैइन अलीम। ये बेकुल्ले शैइन, ये बेकुल्ले शैइन, ये बेकुल्ले शैइन, खूब तवज्जो करें, बेकुल्ले शैइन, ये बेकुल्ले शैइन मुताल्लिक किससे हैं, किससे ताल्लुक रखता है? अलीम से ताल्लुक रखता है। देखिए तवज्जो करें, इल्म, इल्म में दो चीजें होती हैं, एक आलिम एक मालूम। मिसाल के तौर पर मेरे इल्म में है, मेरे इल्म में ये किताब है, मेरे इल्म में ये किताब है, तो मैं हो गया आलिम, किताब हो गई मालूम, सही। तो वो खुदा बेकुल्ले शैइन अलीम, ये बेकुल्ले शैइन वो मालूम है, अलीम यानी जानने वाला। देखिए आलिम भी आलिम होता है और अलीम भी आलिम होता है, लेकिन अलीम की खसूसियत है। मुझे मौका मिला तो मैं इसको देखूंगा कि कुरान में खुदा के लिए आलिम इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन आलिम एक उमूमी मानों के लिए। अलीम की खसूसियत यह होती है कि उसकी ज़ात में वो चीज़ मौजूद होती है, पायदार होती है वो चीज़, सुबात उसमें एक पायदारी मौजूद होती है। अलीम के मानों में अलीम सिफत, जिस तरीके से अलीम जो है वो शरीफ, अलीम, गनी, ये सब एक ही वजन के ऊपर हैं। तो वहुआ वो खुदा यूं है सब में, वहुआ अलीम उन बेकुल्ले शाइन, वो हर शय का जानने वाला है। वहुआ यानी वो खुदा जानने वाला है, अलीम उन हर शय का। खूब, अब यहां पर इस आयत को जरा हम इसका सिंगल, इसके मुफरदात और इसके सिंगल सिंगल वर्ड्स को हमने देख लिया, अब हम इसके थोड़ा सा पहले मजीद माना को देखते हैं कि खुबाबी से आयत के क्या माना हो सकते हैं। हुवल्लज़ी, वो खुदा जिसने खल्क किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए खल्क किया, तुम्हारे लिए खल्क किया यानी बंदगान ने खुदा, चूंकि लकुम, तवज्जो करें कुरान किससे मुखातब है, कुरान इंसानों से मुखातब है। कुरान हर ज़ीरूह से मुखातब नहीं है, कुरान सिर्फ और सिर्फ मुखातब है किससे, इंसानों से। लिहाजा ये लकुम से मुराद क्या है, यानी इंसान, हैवाना शामिल नहीं है इसमें। पर वो खुदा जिसने खल्क किया लकुम, तुम इंसानों के एडवांटेज के लिए, फायदे के लिए, किस चीज को खल्क किया, मां, हर वो चीज जो जमीन में है वो तुम्हारे फायदे के लिए है, दरख्त हो, हैवानात हो, फल हो, सब्जी हो, हर चीज तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे एडवांटेज के लिए, तुम्हारे इस्तेफादा करने के लिए खल्क किया गया है। जमीअन, जमीअन ताकीद है, जमीअन ताकीद है, यानी सारी की सारी चीजों को तुम्हारे लिए खल्क किया। अच्छा, बाज मुफस्सिरीन ने, जाहिरन मैंने जो याद आ रहा है मुझे, एक नुक्ता यहाँ पर बयान किया है, लेकिन वो नुक्ता हमारे लिहाज से दुरुस्त नुक्ता नहीं है। तब जो करें, वो क्या नुक्ता बयान किया उन्होंने,
इन्होंने बयान किया कि इस आयत से पता चलता है कि दुनिया की हर चीज का खाना पीना जायज है, जब तक उसके लिए कोई अगेंस्ट में दलील ना आ जाए, अगेंस्ट में कोई दलील ना आ जाए। मसलन मट्टी, मट्टी को खाना हराम है, दलील मौजूद है। हराम गोश्त जानवर खाना हराम है, दलील मौजूद है। पर अगर मेरे और आपके लिए नहीं है, फकीर के लिए, मुज्तहिद के लिए, अगर मुज्तहिद को अगर किसी चीज की दलील नहीं मिलती तो मुमकिन है कोई आकर कहे कि इस आयत से इस्तेदलाल किया जा सकता है कि दुनिया की हर चीज खाना हराम है, मगर ये कि जिसकी हुरमत के लिए कोई दलील आ जाए। बस अगर मुज्तहिद को अगर कोई दलील ना मिले तो इस आयत से तमस्सुक कर सकता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें नहीं कहा कि हुवल्लज़ी खलक़ा लिअक्लिकुम वलिशुर्बिकुम मा फिल अर्ज़, तुम्हारे खाने और पीने के लिए दुनिया की जमीन की हर चीज को खल्क़ किया है, नहीं, बल्कि तुम्हें फायदा उठाने के लिए। अब फायदा फकत और फकत, एडवांटेज फकत खाने और पीने में तो नहीं है। मसलन मट्टी को, मट्टी से घर बनाया जाता है, तो मगर ये नहीं कहलाएगा कि मट्टी जो को तुम्हारे फायदे के लिए खल की गई है, जबकि मट्टी खाना हराम है। पर यहां पर जो लकुम आया है, लकुम यानी तुम्हारे एडवांटेज के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए है। पर ये आयत इस मकाम में नहीं है कि आप ये कहें कि कुरान की आयत कह रहे हैं कि दुनिया की हर चीज हलाल है, जब तक जो कि उसकी हुरमत के लिए, उसके हराम होने के लिए कोई दलील ना आ जाए, और मट्टी और कुत्ता सुअर है हराम गोश्त जानवर के लिए दलील मौजूद है, लिहाजा वो इससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और वो इससे इस्तेस्ना हो जाएंगे। नहीं, ये आयत असल इस लिहाज से बयान ही नहीं कर रही है, बल्कि ये आयत बयान कर रही है तुम्हारे एडवांटेज के लिए, हत्ता कुत्ता भी तुम्हें फायदेमंद है, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मसलन क्या फायदा हो सकता है? मोटा मोटा फायदा बयान कर देते हैं कि मिसाल के तौर पर जो वो बागात की रखवाली के लिए है, सही ना, जो फुकहा ने भी जायज करार दिया है कि शिकारी कुत्ते या वो कुत्ते जो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी खरीदो फरोख जायज है। बस ये कुत्ते जो कि वो तुम्हारे फायदे के लिए हो गए, सही ना। तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर मुराद खाना पीना मुराद हो कि आप ये कहें कि इससे एक कानून, एक उसूली कानून निकाला जा सकता है। वो उसूली कानून क्या है कि दुनिया की हर चीज जो कि वो हलाल है, नहीं, ये दुरुस्त बात नहीं है। अलाइयाल बस तवज्जो किया आपने कि यानी यूं है आयत कि हुवल्लज़ी खलक़ लिअज्लिकुम, तुम्हारी खातिर खुदावंद मुताला ने जमीन को खल किया। सुम्मस्तवा इलस्समाए, इस्तवा का मतलब आपकी खिदमत में हमने अर्ज किया कि एक माना इस्तवा का क्या होता है। इस्तवा का एक माना होता है किसी चीज की तरफ तवज्जो करना, यानी खुदावंद मुताला ने जमीन को खल्क, जमीन में जो कुछ मौजूद था उसको खल्क करने के बाद मुतवज्जे हुआ आसमानों की तरफ, ये एक माना। एक माना इस्तवा का क्या है? एक माना इस्तवा का है किसी चीज पर गालिब आना, किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को अपने कंट्रोल में लेना। दो माना वाजे हो गए। इस्तवा का एक माना क्या है? किसी चीज की तरफ मुतवज्जे होना। देखिए तीन माना हो गए। एक माना किसी चीज की तरफ मुतवज्जे हो तो भी उसके लिए इस्तवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक तरफ, एक दफा किसी चीज पर कंट्रोल हासिल कर लेना, उसके लिए भी इस्तवा, अरबी में इस्तवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और तीसरा माना क्या हो गया? तीसरा माना यानी किसी चीज को बराबर कर देना, किसी चीज को बराबर कर देना। सही ना, जैसे मैंने वो समंदर की मट्टी की मिसाल दी थी, या जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिदुल हराम में मुकब्बिर आवाज रखते हैं इस्तवू यानी वो आमतौर पर वो बेचारे जायरीन को नहीं पता चलता कि ये क्या कह रहे हैं। इस्तवू यानी अपनी सफों को बराबर कर दो,
अपनी सफों को एक सफ में कर दो, एक लाइन में कर दो। तो यहां पर इस्तवा जो है वो ये तीन माना माना जो कि वो इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। सुमस्तवा इलस्तमा, तवज्जो करें कि यहां पर गलबा और किसी चीज के कंट्रोल के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि लफ्ज आया है इला के साथ, सुमस्तवा इलस्तमा। तो जाहिरन इसका तर्जुमा इस्तवा का मतलब ऐ तवज्जा इलस्तमा, यानी मुतवज्जे हुए खुदा ने उसके बाद जमीन, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअन सुम्मा इस्तवा इला समा, उसके बाद आसमान की तरफ, आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ, यानी आसमान की तख्लीक की तरफ मुतवज्जे हुआ। फसव्वाहुन्ना, सव्वा और इस्तवा एक ही मादे से है। सव्वा का मतलब होता है बराबर करना, बस उन आसमानों को सात आसमानों में, सात सफों में, आसमानों के सात सफों में उसको बराबर किया। कि ये मुमकिन है, फिलहाल तो देखें ये आप कहें कि इससे ज्यादा मैं इसकी कोई वजाहत करूं तो ना रिवायतों में इससे ज्यादा इसकी कोई वजाहत है। सबा समावाद से क्या मुराद है, सात आसमानों से क्या मुराद है, खूब सात आसमान मगर कोई आज मगर फिजा में क्या सात आसमान है, खूब कुरान तो कह रहा है कि सात आसमान है। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, वो क्या है, वो ये कि इंसान किसी चीज को इहाता ना रखता हो, जानता ना हो, तो जैसा कि मैंने इब्तिदा में बयान किया, इंसान उसको डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता है। मसलन कहे कि हमने तो आसमानों की सैर की, आज का साइंसदान ये कहे कि भाई ये सात आसमान कहाँ है, तो आपका इहाता ताम नहीं है, आपने हर चीज को डिस्कवर नहीं किया हुआ है। तवज्जो किया आपने, खूब फसव्वा होना सबा समावातिन से ना, वहुवा बिकुल्ले शैइन अलीम, वहुवा बिकुल्ले शैइन अलीम। यहां पर एक नुक्ता है वो आपकी खिदमत में बयान करूं कि तवज्जो करें, वहुवा बिकुल्ले शैइन अलीम नहीं कहा खुदा, खुदा ने वहुवा बिकुल्ले शैइन कदीर। खूब सवाल, खूब तवज्जो करें, खूब तवज्जो करें, खूब तवज्जो करें, क्या के वहुआ बे, यहां पर खुदा की ताकत और कुदरत की बात हो रही है या इल्म की बात हो रही है कि खुदा ने सात, खुदा ने जमीन को खल्क किया, खुदा ने आसमानों को खल्क किया, तो टेक्निकली तो यहां पर ये कहना चाहिए कि वहुआ भी कुल्ले शहीन कदीर, खुदा हर चीज पर कादिर है, जबकि क्या कहा वहुआ भी कुल्ले शहीन अलीम। तो इसका जवाब क्या है, तवज्जो करें, जवाब, जवाब क्या है, जवाब ये है कि तवज्जो करें, जब भी एक काम किया जाए, मोहकम और मजबूत काम किया जाए, उसके लिए दो चीजें होना जरूरी है। जब भी आप कोई काम करें जो एक्यूरेट काम हो, बेहतरीन काम हो, मजबूत काम हो, उसके लिए दो चीजें होना जरूरी है। वो क्या है दो चीजें, एक ताकत और कुदरत होनी चाहिए और दूसरा इल्म होना चाहिए। अगर ताकत और कुदरत नहीं है और इल्म नहीं है, मिसाल के तौर पर आर्किटेक्ट है एक शख्स, खूब आपको मगर ड्राइंग करना नहीं आती, आपको क्या रूलर रख के पेंसिल या पेन से उस रूलर पे खत और लाइन खींचना नहीं आती, आती है तो कुदरत है, लेकिन चूंकि हम आर्किटेक्ट का, आर्किटेक्चर का जो कि हमारे पास इल्म नहीं है, मुहंदिसी का इल्म नहीं है, लिहाजा हम जो को नक्शा नहीं बना सकते हैं, सही ना। तो हर आसन मोहकम मजबूत एक्यूरेट काम के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक कुदरत और दूसरा इल्म। कुदरत तो बयान हो गई खुदा की, जब ये कहा कि खुदा ने जमीन को खल किया, तो खूब कुदरत नहीं होगी तो खल किस तरह करेगा,
आसमानों को, सात आसमानों को खल किया। अब अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक फ्लोर बनाते हैं, तो कितने एफर्ट्स लगते हैं? अगर 10 मंजिला बिल्डिंग बनाए तो उस पर कितनी जहमत होगी? अगर 50 मंजिला बिल्डिंग बनाए तो उस पर कितनी जहमत होगी? कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितनी कुदरत इस्तेमाल करनी पड़ेगी? तो अगर आप आसमानों को बनाए तो कितनी कुदरत चाहिए? बस कुदरत खुदा तो ऊपर वाली कुरान की आयत में बयान हो गई कि वह हुआ बिकुल्ले शहीन कदीर है, तभी तो जमीन को खल किया और आसमानों को खल किया, सही ना। लेकिन वह हुआ बिकुल्ले शहीन अलीम करके बयान कर रहा है कि उसका काम मोहकम और मजबूत है, एक्यूरेट है, विदाउट एरर है। बस ये आयत बयान कर रही है कि सानी और समा वल अर्ज़े, कि जमीन और आसमानों का खुदा कादिर भी है और आलिम भी है। यहाँ पर एक सवाल और जवाब इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में आपकी खिदमत में बयान करूंगा कि आयत में क्या बयान किया जा रहा है। आयत में बयान किया जा रहा है कि पहले जमीन को खल किया और सुम्मस तवा इला समा, उसके बाद आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ खुदा, यानी आसमान को खल किया। जबकि कुरान की एक और आयत बयान करती है कि वल अर्ज बादा जालिका दहाहा, कि जमीन आसमान की तखलीक के बाद फैलाई खुदा ने। इस आयत में जमीन का तस्किरा पहले, आसमान का तस्किरा बाद में है। उस आयत में आसमान का तस्किरा पहले है और जमीन का तस्किरा बाद में है, तो दोनों आयतों को किस तरह जमा किया जाएगा इंशाल्लाह इसको अगली गुफ्तगू में आपकी खिदमत में देखते हैं कि इसका क्या, बाद बुजुर्गान ने इसका जवाब दिया है, वो जवाब आया जवाब दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। अगर दुरुस्त नहीं तो फिर सही जवाब क्या हो सकता है, इंशाल्लाह इसको आने वाली गुफ्तगू में इंशाल्लाह इसको आपकी खिदमत में बयान करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।